and welcome to our channel. I am Dr. Kanishka from DNPR team, Dr. Nasir Physiotherapy and Rehabilitation. और आज हम बात करेंगे हमें किस कंडीशन में आइसिंग यूज़ करनी चाहिए और किस कंडीशन में हीटिंग यूज़ करनी चाहिए। आप सभी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस इंजरी में और किस टाइप में आइसिंग यूज़ करना है और किस टाइप में हीटिंग यूज़ करना है, क्योंकि दोनों का ही बहुत अलग रोल है, दोनों का ही अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों के ही अपने कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो इस वीडियो में ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ। के बारे में फर्स्टली हम आइसिंग के बारे में जानेंगे। आइसिंग क्या करता है? आइसिंग आप देखते हो, कुछ भी अगर आपको इंजरी हुई है, एक्यूट इंजरी है कि आप कहीं पे स्पोर्ट्स खेलने गए हो, किसी मैराथन से आए हो या जिम गए हो, आपको एकदम से किसी पार्ट पे स्वेलिंग आ गया है, रेडनेस आ गया है, आपको फील हो रहा है कि हाँ यार अभी तक नहीं था, एकदम से कोई एक्यूट इंजरी है, उन कंडीशंस में आपको आइसिंग यूज़ करनी है। आइस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? नॉर्मली सबके घरों में आइस होता है, तो आइस को कभी भी यूज़ करो, डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है उसको, हमेशा कोई कपड़े में, टाल में रैप करके तब उसको यूज़ करना है, या फिर मार्केट से कोई भी हम आइस पैक ले सकते हैं यूज़ करने के लिए, डायरेक्ट यूज़ करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आइसिंग का मैकेनिज्म जो है मेनली दो टाइप्स का है, दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो होता है कि हम किसी भी पार्ट पे, कोई कॉन्स्टेंट एरिया पे आइसिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे उस एरिया को नंब कर देता है, सुन कर देता है, उससे जो है हमें पेन कम फील होता है, हमारा पेन जो है रिड्यूस हो जाता है और हमें अपने आप स्वेलिंग भी रिड्यूस हो जाती है। सेकंड जो हमारा मैकेनिज्म है आइसिंग के कंडीशन में, आइसिंग जो है हमारे ब्लड वेसल्स को शॉर्ट कर देता है, थिन कर देता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स को थिन करने पे हमें जो वहाँ की इन्फ्लामेशन होती है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है वहाँ पे, और जो हमारी इन्फ्लामेशन होती है, हमारी स्वेलिंग होती है, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। तो आइसिंग बेसिकली दो इन मैकेनिज्म्स पे सूट होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें किन कंडीशंस में आइसिंग यूज़ नहीं करनी चाहिए और किन कंडीशंस में यूज़ करनी चाहिए, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। आइसिंग बेसिकली दो कंडीशन, तीन चार कंडीशन है जिनमें हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो न्यूरोपैथी और डायबिटीज़ के केस में, इन केसेस में क्या होता है कि पेशेंट को नहीं पता लगता है कि उसको कितना ठंडा फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, तो वो एरिया जो है वो कोल्ड बर्न हो सकता है उन केसेस में। दूसरा हमारा आ गया ये डीवीटी वाले केसेस हैं, डीवीटी वाले केसेस हैं, इन केसेस में भी हमें आइसिंग नहीं यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करेंगे हीटिंग की कंडीशन के बारे में, हीटिंग हमें कब और किन कंडीशंस में और कैसे यूज़ करना चाहिए। हीटिंग जो हमारा एक क्रॉनिक इंजरी है, हमें काफ़ी टाइम से कोई बैक पेन है, हमारे जॉइंट में स्टिफनेस है, टाइटनेस है, हमें मसल स्पाज्म की दिक्कत है, मसल में हमारे टाइटनेस है, टेंडरनेस है, तो हमें उन कंडीशंस में हीटिंग यूज़ करनी चाहिए। हीटिंग का मैकेनिज्म क्या होता है? हीटिंग जो है हम किसी एरिया में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ के एरिया को, वहाँ की ब्लड वेसल्स को वो डायलेट कर देता है, वहाँ पे डायलेट कर देता है, तो हमारा ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उससे हमारा जो नमनेस है, हमारा जो स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, वो अपने आप कम हो जाता है और हमें पेन में भी रिलीफ मिलता है। हीटिंग हमारा बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक तो वेट हीटिंग, एक ड्राई हीटिंग। वेट हीटिंग में हमारा आ गया मॉइस्ट हीट पैक आ गए, स्टीम आ गया, और हमारे और भी तरीके के आ गए जैसे कि वेट टावल पैक हो गया, और ड्राई हीटिंग में हमारे आ गए इलेक्ट्रिक पैक्स आ गए, एक फिजियोथेरेपी में SWD आ गया, शॉर्ट वेव डायथर्मी आ गया, ये सब हमारे हीटिंग के टाइप्स होते हैं। अब जैसे हमने आइसिंग में जाना था कि आइसिंग के भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में हमें आइसिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए, सेम एज हीटिंग के भी कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें हमें हीटिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि ये है हमारा डायबिटीज़ है, न्यूरोपैथी वाले पेशेंट्स हैं, उन कंडीशंस में हमें हीटिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता लगता है कि कितना गर्म हो रहा है, कितना क्या उनको फील हो रहा है, और उससे हमें बर्न हो सकता है। सेकेंड है हमारा एक डर्माटाइटिस एलर्जी वाली कंडीशंस में हमें हीटिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए, हमें DVT वाले केसेस में भी हीटिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए। हीटिंग बेसिकली दोनों, हीटिंग और आइसिंग बेसिकली एक सबका अलग रोल है, दोनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। आई होप कि आपको ये वीडियो का मोटिव समझ में आया होगा, और आपको कोई भी क्वेरी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक से, एक नई शुरुआत से। थैंक यू।